करण कुंद्रा ने किया खुलासा। इस वजह से टल रही है तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की शादी। टीवी के पॉपुलर कपल तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा अक्सर साथ में स्पॉट होते हैं। बिग बॉस सीजन 15 के बाद से ही दोनों सुर्खियों में हैं। दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत बिग बॉस के शो के दौरान ही हुई थी। दोनों को साथ में फैंस काफी पसंद करते हैं। फिर दोनों की शादी के बाद भी होती रहती है। एक बार फिर करण ने शादी पर बात की है। हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान करण कुंद्रा ने अपनी जर्नी के बारे में बात की और उन्होंने बताया कि टीवी में अब तक का उनका सफर कैसा रहा है। उन्होंने तेजस्वी प्रकाश के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी बात की। उन्होंने तेजस्वी से शादी को लेकर भी बात की और कहा कि वो किसी से भी कुछ छिपाते नहीं हैं, जो हैं सामने हैं। हम रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, अगर शादी की बात की जाए तो मैडम के पास वक्त कहाँ है, वो बहुत ज्यादा बिजी चल रही हैं। जब भी इस पर बात होती है तो वो टॉपिक मेरे ऊपर डाल देती हैं और मैं टॉपिक उनके ऊपर डाल देता हूँ और यही अब तक चलता आ रहा है। करण ने यह भी बताया कि उनके माता पिता करण के माता पिता से काफी बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन हम रिश्ते को स्वाभाविक तौर पर आगे ले जा रहे हैं। करण कुंद्रा ने यह भी कहा कि मैं तो शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बस तेजस्वी की तरफ से शादी के ऑफर का इंतजार हो रहा है और जब भी तेजस्वी शादी का ऑफर देंगी वो शादी के बंधन में बन जाएंगे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि करण ने एक बार फिर गेंद तेजस्वी के पाले में डाल दी है। वहीं जब तेजस्वी से इस विषय पर बात की जाएगी तो ये संभव है कि वो गेंद करण के पाले में डालेंगी और ये खेल आगे भी चलता रहेगा। अब देखना ये होगा कि दोनों इस तरह के खेल को कब तक खेलते हैं और जो फैंस उनके शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनके इंतजार की घड़ी कब खत्म होती है। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ।